हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि प्रधानमंत्री ने कल ही इसका उद्घाटन कर दिया था 2.0 का, कल से स्टार्ट हो गया है अप्लाई करना। तो आज के इस वीडियो में सारा कुछ जानने वाले हैं कि कौन कौन से महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं, कैसे कर सकते हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए कैसे करें आवेदन। तो यहाँ पर पढ़ सके बता सकता हूँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराने के साथ ही चूल्हा भी फ्री दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग में चलाई जा रही योजना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ महिला ही ले सकती है उज्ज्वला योजना का लाभ। आवेदक महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार यानी 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उज्ज्वला योजना का क्या लाभ है, ये भी सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से योजना चलाई जा रही है। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए साथ ही चूल्हा भी फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप घर से दूर कहीं किराए पर रहते तो आपका प्रमाण पत्र भी नहीं लगेगा, एड्रेस प्रूफ भी आपको नहीं लगेगा। कौन कौन ले सकते हैं उज्ज्वला योजना का लाभ? तो उज्ज्वला योजना का लाभ सिर्फ महिलाएं ले सकती है। किसी भी श्रेणी में गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध होना चाहिए। आवेदक महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। एक ही घर के एलपीजी कनेक्शन नहीं होगा, मतलब दो कनेक्शन एक घर में नहीं होना चाहिए। उज्ज्वला योजना 2.0 के लाभ इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई के वाई सी होना अनिवार्य है। आवेदक का आधार कार्ड पहचान पत्र के प्रमाण पत्र रूप में काम करेगा। किसी भी राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड और बैंक का खाता नंबर IFSC कोड। और बात कर रहे थे कि आप आवेदन कैसे कर सकते हो, आवेदन आप PMUY.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर PMUY.gov.in पर क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 पर कनेक्शन पर जाएं और आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, इंडियन, भारत पेट्रोलियम और HP। वहाँ से आप भर सकते हैं, सारा कुछ वहाँ से आपको मिल सकता है। तो सारा कुछ मैंने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।